हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय है, सुबह का पूजा मैंने कर लिया है, भगवान जी का दर्शन आपको भी करवा दिया है। भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए, माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। उसके बाद लग गए अपना बस वही रूटीन, चाय बना के रखा हुआ है तो पहले मैं चाय पीऊँगी। चाय थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने वापस रख दिया है, क्योंकि सुबह सुबह गर्मी, आज दो दिन से गर्मी हो रहा है, उतना अच्छा नहीं लगता है। मेरे यहाँ चाय पीते पीते मेरा 8:30 हो भी जाता है, मतलब कि आराम से बैठ के चाय नहीं पी सकती। मैं अपने काम में भी सोचते रहती हूँ क्या करना है, तो सब्ज़ी का कुछ नहीं समझ में आता तो सबसे बेस्ट दाल रहता है जो मैंने भिगो दिया है। फिर इसका मतलब कि कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आता, केवल आलू के अलावा। ये नहीं है कि बच्चे जो खा ले बना ले, सुबह सुबह नाश्ता का रहता भी है, बच्चों को भी देना है, फिर खाने के लिए भी सोचना है, नाश्ते के लिए सोचना है। तो मैं दाल भिगो के आई हूँ, केवल अपना चाय लेके आके बैठ गई हूँ। इसके साथ मैं अपना सब्ज़ी का भी तैयारी करूँगी, दाल छोंकने का तैयारी करूँगी। मैं चना दाल आलू का सब्ज़ी मिक्स करके ऐसे बनाती हूँ हमेशा, ज़्यादातर बनता है मेरे यहाँ, तो वही बना लूँगी। तो वो नाश्ता में भी हो जाएगा, खाना में भी हो जाएगा, मतलब कि नाश्ता में रोटी के साथ भी हो जाएगा। अब वैसे पतला वाला दाल नहीं बनाती हूँ मैं, जैसे दाल जैसा पतला बनता है वैसे नहीं बनाती हूँ मैं, गाढ़ा गाढ़ा करके बनाती हूँ। मैं यहाँ बैठ के अपना जैसे दाल के छोका तैयार करूँगी, पीस लग के जैसे नहा धोआ के आके बैठ के अपना टीवी देखती है 5-10 मिनट के लिए। तो लकी जो बचा हुआ था चाय ज़्यादा था, वो लकी ले आया है, क्या कि इसको चाय पीने का थोड़ा सा रहता है, तो ज़्यादा होता तो मैं दे देती हूँ। ज़्यादा जबर ये नहीं है कि नहीं इसको पीना, ये नहीं होता है, ये मांगता है तो मैं ज़रूर नहीं देती हूँ। हाँ, आज ज़्यादा बन गया है, फिर उसके पापा ने भी थोड़ा सा लिया होगा तो भर के गिलास रखा होता तो थोड़ा सा इसको मैंने दे दिया है, तो ये अपना चाय पी लेगा। पीयूष तो चाय पीता नहीं है, दूध सुबह सुबह मेरे यहाँ दोनों बच्चे नहीं पीते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं, कभी चिप्स ले आते हैं वही खा लेते हैं। तो आज तो मुझे लग रहा है चिप्स लेके आए हैं, तो वही चिप्स का 2 पैकेट रखा हुआ है तो दोनों खा लेंगे। अब पीयूष मेरा थोड़ा सा रहता है, सुबह सुबह ये नहा धोआ के आता है, तो इसका मतलब कि टीवी देखेगा 10-15 मिनट के लिए दोनों बैठ के, फिर पढ़ने के लिए बैठेगा। मैं फिर से आ गई अपना किचन में, सुबह सुबह यही काम रहता है मेरा, और तो ज़्यादातर काम कंप्लीट हो जाता है, खाना बनाना नाश्ता बनाना यही बाकी रहता है, तो फिर किचन का ही बाकी रहता है। हाँ, कपड़ा धोने का काम बाकी रहता है, तो डुबो के मैं आ चुकी हूँ। दाल मैंने भिगोने मतलब कि उबलने के लिए चढ़ाया था, तो मैं कपड़ा सर्फ में डाल के छोड़ दिया है, तो थोड़ी देर डुबो के छोड़ देती हूँ, उसके बाद धोती हूँ तो जल्दी साफ़ हो जाता है। पहले यहाँ मैं दाल में छोंक लगा दूंगी, उसके बाद कपड़ा धोने का काम करूंगी, क्योंकि दाल में फिर सीटी निकलने में टाइम लगता है, तो पहले ये काम कर लूंगी। दाल जब भी छोंक लगाते हैं तो मसाला पीस के नहीं लगाते हैं, जैसे चोपर में कर लूंगी या फिर हाथ से काट के, जैसे पतला पतला छोटा छोटा प्याज काटती है तो उसमें टाइम लगता है, चोपर में भी ज़्यादा देर नहीं करूँगी तो इसमें भी मतलब कि ये हो जाएगा अच्छे से। प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन तीनों चीज़ मैंने डाल लिया है। कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, अभी मैंने मंगवाया, तुरंत पीस लेके ही आया। ये देखिए लीची भी लेके आया है, कड़ी पत्ता भी लेके आया है, तो मुझे भी दिखा रहा था, आप सबको भी दिखा रहा है। कड़ी पत्ता को मैं इसी में चोपर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब बीच बीच में आता तो अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट इसका अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्याज के साथ इसको भी कर लूँगी, फिर दिखाई नहीं देगा, बीच बीच में नहीं आएगा। जैसे प्याज डालते उसी समय डालते भी है, मैं तो ज़्यादातर उसी समय डालती हूँ, जैसे प्याज डालती हूँ उसी के साथ डालती हूँ, क्योंकि ऐसे अलग से डालते तो उछलता ज़्यादा, इसका छिट्टा ज़्यादा लगता है। यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ, मतलब एक टमाटर मैंने काट लिया, दूसरा वाला ख़राब निकल गया, उससे जो पानी निकला टमाटर के अंदर का वो गंदा दूसरा वाला में भी गिर गया है, तो मैंने टमाटर को फिर फेंक दिया कि दूसरा टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी, उससे सब्ज़ी मेरा ख़राब हो जाता, मतलब कि एक स्वार्थ में सब्ज़ी पूरा बर्बाद हो जाता, इसलिए मैंने दोनों को फेंक दिया है। मतलब कि सुबह सुबह सब्ज़ी का कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाता क्या सब्ज़ी बनाए। आप बोलेंगे रोज़ रोज़ दाल बनाते हैं, तो मेरे यहाँ बच्चों को मतलब कि सबको पसंद आता है, सबको खा भी लेते हैं, चना दाल आलू डाल के मैं बनाती हूँ। एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि चना दाल के साथ पूरी कौन खाता है, मेरे यहाँ बिहार का ये सुबह का नाश्ता होता है, जैसे दाल चना दाल आलू का सब्ज़ी और पूरी बनता है। मेरे यहाँ दुकान में भी पहले बनता था, अपना फिर भी नहीं बनता है, तो मैं घर में कभी कभार जैसे महीना 20 दिन से एक बार बना लेती हूँ, सबको शौक रहता है।
अलग अलग होता सबके यहाँ का, मतलब कि ऐसे दाल के साथ पूरी नहीं खाया जाता। चना दाल आलू के सब्जी के साथ पूरी अच्छा लगता है खाने में, पर अलग अलग स्वाद होता है सबका। जैसे किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, मतलब हर आदमी को हर खाना पसंद नहीं आता है। मेरे यहाँ जैसा पसंद करके खाते हैं वैसा मैं बना लेती हूँ। अगर अलग से सब्जी बनाती हूँ तो फिर मैं साधारण सा दाल बनाती हूँ, पर सब्जी बनाने का नहीं रहता है तब मैं यही चना दाल बना लेती हूँ आलू डाल के। तो मतलब रोटी के चावल के साथ दोनों के साथ हो भी जाता है। दाल मेरा बन रहा है तो रोटी तो मैंने पहले ही बना दिया। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, रोटी पहले बना के छोड़ देती हूँ, उसके बाद मतलब सब्जी दाल जो भी बनाती हूँ वो बाद में बनाती हूँ, क्योंकि रोटी ठंडा हो जाता है उतना देर में। और सब्जी दाल तो मैं इनको टिफिन में दूंगी नहीं, तो सब्जी सूखा सब्जी मेरे पास रखा हुआ वही दे दूंगी, क्योंकि दाल नहीं लेके जाएंगे टिफिन में। अच्छा तो लगता है पर टिफिन में लेके जाने से तो वो निकलने का डर रहता है। तो मैं फिर सब्जी रखा हुआ सूखा सब्जी है तो उसी को मैं दोनों के लिए डाल दूंगी। अभी दोनों खा के जाएंगे तो दाल के साथ एक एक रोटी खा लेंगे। रोज़ पराठा नहीं देती हूँ, जैसे एक दिन बढ़िया से पराठा या फिर कोई अच्छा नाश्ता दे देती हूँ तो दूसरा दिन साधारण सा खाना देती हूँ, जैसे रोटी सब्जी केवल होना चाहिए वही दे देती हूँ। रोज़ रोज़ पराठा ये सब अच्छा नहीं रहता है। हाँ, बीच में एक दो बार रोटी देना, एक बार दो बार पराठा दे देती हूँ। तो टिफ़िन पैक करके दे दिया तो अपना बेक पैक कर लेंगे, मुझे टेंशन नहीं रहेगा। यह मसाला मेरा तैयार हो गया है, मुझे ऐसा ही मसाला चाहिए था, तो लगभग पूरा बन चुका है। टमाटर भी मैंने डाल दिया था, सूखा मसाला भी सब डाल दिया है, केवल छोंक लगाना है दाल इसमें डालना है, सॉरी छोंक नहीं लगाना है। थोड़ा सा मैं इसमें पनीर मसाला डालूंगी, बस इसी से टेस्ट इसका अच्छा आता है। जैसे पनीर का सब्जी खाते वैसा ही टेस्ट इसमें भी, फिर तरकारी पत्ता डाला उससे भी अच्छा आता है। दाल मैंने उबाल के पहले से रखा हुआ है, दाल में मैं आलू डाल लेती हूँ। आलू को मैंने तोड़ दिया, दाल में मिक्स कर दिया है तो पता नहीं चल रहा है। इसमें हल्का सा पानी डालूंगी बाद में, पहले नहीं डालूंगी, पहले ऐसे मिक्स कर लूँगी। मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा है तो इसमें बनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा कढ़ाई है। दाल बनता तो थोड़ा ज़्यादा करके बनता है, क्योंकि ये दोपहर में भी चलेगा, अभी सुबह नाश्ता में भी हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा करके बनाती भी हूँ। इसको ढक के छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, फिर उस लड़की को खाने के लिए दे दूँगी। उसके बाद देखूँगी लगेगा तो पानी डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। ये अपना नाश्ता लेके बैठ गए, दोनों अपना नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है, स्कूल जाने में कम से कम आधा पौन घंटा बाकी है। तो मैं पहले कपड़ा धो के आ जाऊँगी, उसके बाद मैं मतलब कि ये स्कूल जाएंगे तो फिर मुझे दुकान जाना रहता है। और धूप तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है, फिर से वही गर्मी वही धूप शुरू हो गया है। जैसे बीच में मौसम अच्छा हो गया था, बरसात सब जगह हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था, पर अब फिर से धूप हो गया है, इसलिए मैं अब सीधा आपसे शाम में मिल रही हूँ। दोपहर में कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, अभी शाम का भी लगभग सब काम कंप्लीट कर लिया है। सब जगह का झाड़ू भी हो चुका, आंगन का भी झाड़ू मैंने लगा दिया है, अंदर का भी लगा दिया है, क्योंकि अभी भी तेज़ धूप है। अभी 5, 5:30 बजे का टाइम है, 5 बज रहा होगा लगभग, अभी भी धूप है। और सुबह भी पौधों में पानी दे दिया था, मतलब लग रहा पूरा सूखा सूखा, 2-3 दिन से लग रहा पानी नहीं दिया, इतना ज़्यादा मतलब कि धूप से सूख गया है पूरा। तो खूब सारा पानी मैं इसमें डाल भी रही हूँ, सब पौधों में पानी डाल दूँगी। अब पाइप लगा के मैं डाल देती हूँ, बाल्टी से डालूँगी तो कम से कम 2-3 बाल्टी पानी इसमें डालना भी पड़ेगा। हाँ, ये है, बीच में 2-3 दिन मैंने पानी नहीं दिया था, अभी 2 दिन से दे रही हूँ। बीच में बरसात हुआ था तो 2 दिन पानी बीच में बंद हो गया था देना मेरा। आज सुबह का भी दिया हुआ इसमें डाला हुआ, फिर भी पौधा पूरा मुरझाया लग रहा है। तो पहले पौधों में दूंगी, फिर मैं है ना पक्षियों के लिए भी पानी रखती हूँ, वहाँ भी दूंगी, तुलसी में। इसमें भी सुबह का मतलब कि ढाल देते हैं लोटा भर के बड़ा वाला, फिर भी ये सूख जाता है, तो दोनों टाइम इसमें भी मैं दे देती हूँ, तो हरा हरा रहेगा। फिर मुझे ये सब काम करना शाम के समय अच्छा लगता है, पौधों में पानी देना, पूरा आंगन के भी मैं पानी डाल दूंगी, पीने के लिए पानी भर के रखूंगी, क्योंकि पानी पाइप खूब देर से चालू रहता है तो इसमें ठंडा ठंडा पानी आता है। फिर फ्रिज का कोई नहीं पियेंगे, ये टंकी का पानी सब पी लेंगे। बच्चे तो फिर भी नहीं मानते, वो तो अपना फ्रिज का पीते हैं। बोतल भर के भी मैं फ्रिज में रखूँगी, क्या कि एक दो बोतल रख देती हूँ तो फिर बाहर से कोई आता है मांगता है तो दे देते हैं। बच्चे भी मेरे पीते हैं, ऐसा नहीं पीते हैं। इसमें भी रहेगा, रात भर ठंडा रहेगा, क्योंकि इसमें अभी ठंडा ठंडा पानी भर के रखूँगी तो फिर रात भर रहेगा, ख़त्म हो भी जाता है। जैसे
ज़्यादा पीने में नहीं जाता है, मेरा बाबू साहब आएगा अभी, वही बर्बाद कर देगा बोतल भर भर के, वो खेलने में लगा देगा अपना। अभी भी उसके पापा भी यहीं बैठे हैं तो उनसे मैं बात भी कर रही हूँ, जैसे मैं बोतल भर भर के दे दूँगी वो अंदर रख देंगे। बाहर में तो बहुत ज़्यादा मतलब कि धूप रहता है तो लू चलता है तो उससे ज़्यादा गर्मी लगता है, अंदर में बरामदा में फिर उतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि बरामदा फिर मेरा ये है ऊपर में वो पेड़ है, इसी के चक्कर में मतलब ठंडा रहता है बरामदा भी और मेरा रूम भी। उसके बाद ये कपड़ा रखा हुआ तो उतार के पहले मैंने अंदर रख दिया था, अभी इसको समेट भी दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, मैं शाम के समय 5:30-6 बजे के बीच एक्सरसाइज करती हूँ, तो अभी 5:30 बजाने हैं, पीछे लड़के भी नहीं आए हैं तो अभी पहले कपड़ा समेट के रख दूँगी, नहीं तो ज़्यादातर मैं रात में करती हूँ, पर आजकल ये होता है कि रात में भी बिजी रहती हूँ तो भूल जाती हूँ, बहुत बार दूसरा दिन तक रह जाता है, फिर कपड़ा ज़्यादा रहता है तो सलवट हो जाता है, तो अभी मैं समेट के रख दूँगी। अभी उसके पापा भी बाहर में बैठे हैं, उनसे मैं बात भी कर रही हूँ। कपड़ा समेटने के बाद मैं अपना कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद मैं वीडियो बहुत कम शूट करती हूँ, क्योंकि बाद में वही शाम का रूटीन शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज करने के बाद वही शाम का खाने का तैयारी करती हूँ, मन होता है तो चाय बना लेते हैं, नहीं तो शाम में बहुत कम होता है कि चाय बनता है, पीने का मन भी नहीं करता है। हाँ कभी कभार ऐसा था कि उसके पापा बोल देते नहीं बना लो तो थोड़ा सा बना लेती हूँ, अब बनता तो फिर मैं भी पी लेती हूँ, पर ज़्यादा गर्मी में अच्छा नहीं लगता चाय पीना। मैं तो ज़्यादातर करती हूँ कि जूस वूस बना के रखती हूँ, जैसे रसना बना के रख देते हैं या फिर आम का जूस बना के रख देते हैं, मसे ऐसे ही ठंडा कुछ रहना चाहिए तो वही ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। ज़्यादातर दोपहर में जब नींद से सो के उठती हूँ 2:30-3 बजे, पीयूष लकी वो पीयूष के पापा जाते हैं स्कूल लाने के लिए, तो उसी समय मेरा मन करता है कि ठंडा ठंडा कुछ पीऊँ, तो उसी समय के लिए मैं दिन में बना के रखती हूँ। चाय नहीं पीते, दूध भी इकट्ठा होता तो दूध को भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, मतलब कि आइसक्रीम हो जाता है तो वही खाते हैं। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, मतलब खाने का तैयारी मैंने करके छोड़ दिया है, अभी केवल रोटी बनाने का काम बाकी है तो वो करूँगी आधा घंटा बाद। पीयूष लग के गए हैं दादी जी के यहाँ, मैं सुबह से वीडियो शूट करते रहती हूँ पर बात करने का मुझे मौका नहीं मिलता, सोचती हूँ कि नहीं कर लेती हूँ फिर मतलब दिमाग से निकल जाता है, अभी बैठ के फ़ोन ही देख रही थी, मतलब कि वीडियो एडिट करने का वही जरूर करने का ये काम मैं कोशिश करता है कि रात में करती हूँ, तो इस समय वीडियो एडिट कर रही थी तो देख रही थी, वीडियो तो बन चुका पर मैंने बात ही नहीं किया है। अच्छा वीडियो में बात नहीं करते तो लगता है अधूरा अधूरा सा लगता है, अब बात कर लेते हैं, कभी शुरू में कर लेती हूँ कभी, आजकल तो शुरू ही नहीं हो पाता है क्योंकि मतलब कि समझ में नहीं आता है, जहाँ तहाँ से कैमरा उठा लेते हैं तो शुरू हो जाता, बात ही नहीं कर पाते। शुरू शुरू मेरा आदत था कि मैं जब वीडियो शुरू करती थी तो बात करके करती थी, पर अब नहीं हो पाता है, मतलब कि ऐसे ही शुरू कर लेती हूँ, बीच में भी कभी कभार मौका मिलता तो बात करती हूँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि इस समय मेरे यहाँ डीजे बहुत ज़्यादा चलता, आज तो हालांकि फिर भी कम है, अभी तक तो एक भी नहीं आया, नहीं तो इस समय बहुत ज़्यादा डीजे चलता है, इसलिए मैं दिन दिन का वीडियो शूट करती हूँ, शाम का कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, डीजे इतना ज़्यादा तो बात ही नहीं कर पाती हूँ, आज सोचती हूँ दिन में नहीं किया तो मैं शाम में करूँगी तो शाम ऐसे नहीं कर पाती हूँ, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अगर वीडियो आपको जरा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।